हे गाइस, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में फ्रेंड्स हमारे पास है Redmi का 9 एक्टिव। अगर आप इस फोन में अपने फोटो और वीडियो को हाइड करना चाहते हैं तो मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप इस फोन में अपने फोटो और वीडियो को हाइड कर सकेंगे और अपने हाइड फोटो को कैसे एक्सेस करना है और कैसे अनहाइड करना है सब कुछ आपको जानना, तो वीडियो को देखते रहिए। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इस फोन में आप दो टाइप से अपने फोटो और वीडियो को हाइड कर सकते हैं। पहला तो है आपका आपकी एल्बम हाइड, दूसरा है आपका प्राइवेट एल्बम। तो मतलब प्राइवेट एल्बम पर अगर फोटो को डालते हैं तो आपकी प्राइवेसी होती है, उस पर लगा के आप अपने फोटो को देख सकते हैं, और जो आपकी एल्बम हाइड है उसमें अपने फोटो केवल हाइड कर सकते हैं, उसमें कोई सिक्योरिटी वगैरह आपकी नहीं लगती। तो दोनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे आपकी जो एल्बम होती है उसको कैसे हाइड करना है। एल्बम हाइड करने के लिए पहले तो एक एल्बम के लिए क्रिएट करेंगे, प्लस के आइकन पर जाएंगे और यहाँ पे किसी नाम से एक एल्बम को क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने चलो अपने नाम से यहाँ पे एल्बम क्रिएट कर रखी है। आपको एल्बम पर क्लिक करना है। यहाँ आपके फोन में जो भी फोल्डर्स होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। किस फोल्डर में से अपने फोटो को आपको हाइड करना है या फिर वीडियो को हाइड करना है उसके लिए आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आप मान लीजिए आपके जो फोटो है इनको आप इस तरीके से सेलेक्ट कीजिए और ऊपर सही का आइकन देखेगा, इस पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको यहाँ पे मूव करना होगा। मूव करने के बाद ये फोल्डर में आ जाएंगे आपके ये फोटो। तो इसी तरीके से आप किसी वीडियो को भी सेलेक्ट कर सकते हैं इस फोल्डर के लिए। इसको हाइड करने के लिए क्या करना है आपको, इसको आपको इस पर टैप एंड होल्ड करके रखना है, फिर आपको नीचे की ओर देखने को मिलेगा हाइड। तो सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए, तो आपकी पूरी एल्बम हाइड हो जाती है। मतलब जो भी फोटो वगैरह होंगे उस एल्बम के अंदर वो हाइड हो जाते हैं। इनको देखने के लिए आपको क्या करना है, थ्री डॉट देखेंगे इस पर जाना है, फिर सेटिंग देखेगी इस पर क्लिक करना है। तो आपको देखने को मिलेगा व्यू हिडन एल्बम, इस पर क्लिक करके आप अपने फोटो और वीडियो को यहाँ से देख सकते हैं। तो एक तो ये तरीका है, आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं अपने फोटो और वीडियो के लिए हाइड कर सकते हैं। दूसरा है आपका प्राइवेसी सहित, मतलब प्राइवेसी जो आपका ऐप लॉक वगैरह होता है उसको डाल के आप अपने फोटो और वीडियो को देख सकते हैं और लगा सकते हैं। तो क्या करना है, वन फिंगर लेना है और स्क्रीन पर इस तरीके से डाउन करना है। डाउन करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपने MI अकाउंट से इसको साइन इन करना पड़ेगा, जिसके बाद ही आप इस फोन में अपने प्राइवेसी से अपने फोटो और वीडियो को हाइड कर पाएंगे। अगर नहीं करते हैं इस फोन में MI अकाउंट को साइन इन तो नहीं कर सकते। तो सबसे पहले MI अकाउंट से इसको साइन इन कीजिए, इसके बाद अपने हिसाब से जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था इसी तरीके से आप अपने फोटो और वीडियो को हाइड कर सकते हैं। एक और तरीका है अपने फोटो और वीडियो हाइड करने का, जैसे कि मान लीजिए आपका ये वीडियो है इसको आप हाइड करना चाहते हैं, तो इस पर टैप एंड होल्ड करके रखिए। टैप एंड होल्ड करके रखेंगे तो नीचे की ओर आपको देखने को मिलेगा ऐड टू एल्बम, इस पर जाइए। अब आपको देखने को मिलेगा प्राइवेट एल्बम, सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करते ही आपको ओके करना है, तो आपकी प्राइवेट एल्बम में चली जाएंगी जो भी अगर आपने MI अकाउंट यहाँ पर साइन इन कर रखा है तब। अगर नहीं किया तो नहीं जाएंगी। तो इस तरीके से आप इस फोन में अपने फोटो और वीडियो को हाइड कर सकते हैं। एक्सेस करने के लिए सिंपल आप इस तरीके से डाउन कीजिए तो आपके प्राइवेट एल्बम इस तरीके से आ जाती है। और जो मैंने आपको पहले बताया था एल्बम हाइड वाली बुक, उसको कैसे व्यू करना है वो आपको पहले जान चुके हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो काफी अच्छी लगी हो आपको। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।